बीचों बीच में लोग खड़ा हुआ है। अरे उन्हें वो ले जाएंगे, बोरवा पे खड़ा होकर उसके चले जाना है बस। चलो बैठो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कामिनी ब्लॉग में। तो उस दिन का ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद से ये जंगल के रास्ते होते हुए हम लोग जा रहे थे, मतलब उसी दिन का ये भी ब्लॉग है, लेकिन बहुत जगह हम लोग घूमे थे ना, तो मैंने सोचा इसको पार्ट वाइज कर देते हैं। तो यहाँ से निकले हम लोग, पहुँचे बुढ़िया माता के मंदिर, जो बहुत ही सिद्ध माना जाता है, मतलब पहले मैंने सुना था शादी के पहले, तो इसीलिए मैं कभी गई भी नहीं हूँ वहाँ पे, मतलब आज के पहले मैं कभी नहीं गई थी। ये तो मतलब भाभी की वजह से वहाँ जाने का मौका मिला, नहीं तो कहाँ, मतलब मैं सोच रही थी बहुत पहले से, लेकिन जा नहीं पा रही थी। वो तो भाभी की वजह से हम लोग चले गए, और सुना है कि वहाँ का दर्शन बहुत अच्छा होता है। वहाँ कोई माता थी जो, मतलब वो बुढ़िया माता के नाम से ही जाना जाता है, जो लोग उधर के होंगे उनको पता होगा। और यहाँ पे लगा था मेला, मतलब पता नहीं रोज़ लगता है कि हम लोग जिस दिन गए थे उसी दिन लगा था, मेला लगा हुआ था, और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पहली बार मैं गई थी ना, और जंगल में है, वो जंगल है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर जगह थी। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी थी ना, एक ही दिन का घूमना था, तो रील नहीं बना पाई मैं, नहीं मैं पेड़ों के बीच मैंने सोचा था मैं रील बनाऊंगी। देखो बेटा बाबू, अंदर ना जाइए का भैया, अंदर ना जाइए, अंदर सुनो कब बाबू आओ। ये रहा बुढ़िया माता का मंदिर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और यहाँ के बाद अंदर का वीडियो नहीं बनाने दिए थे, मैं बाहर से ही ऐसे ले ली थी। और ये गोरखपुर में ये भी पड़ता है मेरे ख्याल से, वैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मंदिर जो है गोरखपुर में ही है। और उसके बाद हम लोग कहाँ गए ये भी आप लोग देखने के लिए तैयार रहिएगा, उसी ब्लॉग में ही है, और लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत कुछ मैं दिखाऊँगी इस वीडियो में। और आजकल का ब्लॉग ना मेरा सिर्फ घूमने वाला ही है, समझ लीजिए, बहुत हम लोग घूमे थे। अरे बाबू अभी हम लड्डू खरीदेंगे, और खरीद के अपने हाथ से बीचों बीच में लोग खड़ा हुआ है। अरे उन्हें वो ले जाएंगे, एक बोरा है, बोरवा पे खड़ा होकर उसके चले जाना है बस। चलो बैठो। फिर यहाँ से ना वहीं पे, मतलब नदी के उस पार, मतलब माता जी का दर्शन और करने की जगह है, तो ये हुआ कि उस पार करना सही माना जाता है। तो हम लोग नाव पे बैठ के, जो मतलब हमने गाँव वाँव में नाव होता है उस पर हम लोग बैठ के फिर गए उस पार। मुझे तो यहाँ सबसे अच्छा, ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे अपने गाँव वाली फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था मैं अपने गाँव में ही। मैं कभी आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों ये बोल रही हूँ, मेरे जहाँ मतलब मेरा मायका है ना, वहाँ पे नदी है ऐसे, तो हम लोग इस वाले नाव पे बैठे हुए हैं, तो ये वाला मतलब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार नहीं बैठी हूँ मैं, बहुत बार बैठी हूँ, और इस पे बैठ के ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, और साथ में घूमने का ना मज़ा ही कुछ और होता है, और फैमिली के साथ जाने पे ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब हम लोग गए ना तो बहुत मज़ा आया था, क्योंकि ये हुआ भाभी कहीं सब लोग साथ में चला जाएगा, तो
लेकिन मेरा वीडियो कहीं पे रुका नहीं, कंटिन्यू मैं वीडियो बना रही थी। जितना मैं बना रही थी मैं खुद से बना रही थी, जो मैं नहीं बना पा रही थी वो मैं किसी को फ़ोन दे रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी जहाँ मैं जाऊँ वहाँ की एक एक यादें मैं समेट लूँ, और क्योंकि पता नहीं मतलब कभी फिर कब जा पाऊँगी वहाँ पर। फिर यहाँ पे मुझे मिला छोटा सा हैंडपम्प जिसको मैंने चलाया नल चलाया मैंने, अब फालतू में चला रही थी वीडियो बनाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था फिर यहाँ पे मैंने नल चलाया और आगे सामने देख रहे हैं गड्ढा था, पता नहीं नदी थी या तालाब था, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता। फिर हम लोग पहुँचे मंदिर दर्शन करने। यहाँ पे शायद आप लोगों को थोड़ा सा दर्शन मिल जाए बुढ़िया माता का बाहर से। आप दोनों का बन रहा है फिर बुढ़िया माता के मंदिर से हम लोग निकले तरकुलहा के लिए, और रास्ते में ये मार्केट था, पता नहीं कुसौरा, पता नहीं कौन सा मार्केट था। यहाँ से हम लोग निकलते हुए फिर हम लोग पहुँचे तरकुलहा देवी माता का दर्शन करने। वहाँ भी मैं नहीं गई हूँ, कभी नहीं गई थी, पहली बार मैं गई जा पाई हूँ। आगे 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 ले आगे जहाज बैठो। घुसा दिए बढ़िया से। बंदूक दिखा दिखा के Let's go.
ये हम लोग पहुँचे हैं तरकुलहा माता के मंदिर में। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, और मतलब हम लोग भाभी और दीदी और ये मतलब जितने भी लोग आए थे सब लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे। उसके बाद से यहाँ पे सब जगह का हम लोगों ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से हम लोग कहीं गए हैं, वो हम आप लोगों को आगे दिखाएंगे। किस जगह गए हैं वो भी आप लोगों को पता चलेगा, देखिएगा। तो मेरा वीडियो आप लोग कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जितना रिकॉर्ड कर पाया सब किया, सब कुछ मैं कहीं भी नहीं छोड़ी हूँ। मैंने इंजॉय के साथ साथ ना मैं सोचती हूँ एक वीडियो बन जाए, क्योंकि पता नहीं फिर जाना हो पाएगा क्या होगा कैसे होगा। वीडियो बन जाता है ना तो बाद में कभी देखने पर बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लिया, और यहाँ पे नारियल भी मतलब इन्होंने फोड़ा, ये नारियल फोड़े। मतलब क्या था ना कि भैया भाभी ये दीदी मतलब सब लोग गए थे, सब बच्चे थे, सब लोग गए थे। ऐसा नहीं था कि कोई भी घर पे था, सब लोग साथ में गए थे। दो गाड़ी गई थी और दोनों से हम लोग गए थे, और एक में लेडीज़ थी एक में जेंट्स थे। मतलब सोच के नहीं, दो दो जगह तो सोच के मतलब गया गया था, हम लोग गए थे, लेकिन एक जगह का पहले से नहीं सोचा था। ये हुआ कि हो जाएगा तो चला जाएगा, दुर्गा माता के मंदिर में पहले से नहीं सोचे थे, लेकिन तरकुलहा फिर तरकुलहा माता का दर्शन करके फिर हम लोग निकले गोरखपुर के लिए। गोरखपुर में कहाँ गए ये भी आप लोग देखिएगा। कितना हम लोग घूमे, एक ही दिन का सब घूमना था, ऐसा नहीं था दो दिन में, एक ही दिन सुबह ही हम लोग निकले और पहुँच गए। और ये रास्ता देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो अब तो आइडिया लग ही गया होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग गए थे रामगढ़ ताल। जी हाँ, रामगढ़ ताल का ये है, आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग उधर के होंगे वो लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे उन लोगों को मैं बता दूं, गोरखपुर में है रामगढ़ ताल। ये वहाँ का गेट है, यहाँ से एंट्री की जाती है। तो गाड़ी पार्किंग में लगा के फिर हम लोग निकल गए रामगढ़ ताल पे घूमने के लिए। घूमने के बाद ये हुआ ना कि जो रात का शो होता है उसको देख के फिर हम लोग वापस घर के लिए आए।
तो सब कुछ हमने देखा, आप लोग इन्जॉय करिएगा साथ में हम लोगों के। जो लोग नहीं गए होंगे ना वो लोग भी देख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है दूर दूर के होते हैं तो वो लोग नहीं जा पाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं तो पास में ही हूँ लेकिन जल्दी नहीं जा पाती हूँ इधर, ये तो भाभी के साथ निकल गई नहीं तो सोच के भी अकेले तो कोई सोचते सोचते भी नहीं जा पाता है, साथ रहता है ना तो साथ में चलो चलो ठीक है चलते हैं साथ में। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे एक भैया थे ना वो मतलब यहाँ पे डांस करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि डेली डांस करते हैं, मैं आगे आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, उनका आप लोग सपोर्ट करिएगा। ये भैया मतलब यहाँ पे ये डांस कर रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, उनका यूट्यूब चैनल और इंस्टा पे भी है इनका नाम, लेकिन नाम मुझे भूल गया है। तो गोरखपुर में ये वहीं पे डांस करते हैं, इनकी मेहनत देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, मतलब क्या ही कर सकते हैं आदमी, मतलब क्या बताएं। ये जब से हम लोग गए थे मुझे लगता है 2-2.5 घंटे हम लोग थे वहाँ पे, लेकिन तब से वो कंटिन्यू वहाँ पे डांस कर रहे थे। और यही होता है ना, इंसान मतलब कुछ भी करता है पैसों के लिए, अपना अपने परिवार का पेट भरने के लिए, क्योंकि क्या है कि सब कुछ जो जिसके अंदर टैलेंट है वो दिखा के वो मतलब अपने परिवार का पेट पालता है। बहुत अच्छा डांस करते हैं वो, तो मुझे मैं ये बोलना चाह रही थी ना कि यहाँ पे आप लोग उनका सपोर्ट करिएगा, और इंस्टा पे यूट्यूब पे सब जगह आप लोग उनका सपोर्ट करिएगा ताकि वो बहुत आगे जाएं। उनका रामगढ़ ताल पे वो डांस करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, और बहुत अच्छा डांस करते हैं। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं कि कब शो शुरू होगा और तब हम फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करें। इधर देखिए ननद भाभी कैसे बात कर रही हैं मतलब जो ये बीच में बैठी है ना वो जिठानी है और जो उधर बैठी है वो ननद है। और ये देखिए इन भैया का डांस देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद से फिर यहाँ पे ये बुआ भतीजा कुछ सीक्रेट बातें कर रहे थे, खा रहे थे चुपके चुपके। और यहाँ पे मैंने सोचा कि इन लोगों का थोड़ा सा, देखिए कैसे बात कर रहे हैं दोनों लोग बुआ और भतीजा मिलके दोनों लोग बात कर रहे थे, और खूब धीरे धीरे बुआ से पता नहीं क्या बोल रहा था बाबू। फिर यहाँ पे हम लोग पिए काली चाय नींबू वाली, एक चीज़ बहुत अच्छा वहाँ का मुझे लगता है यही वाली चाय, काली वाली वहाँ की चाय मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है, पता नहीं क्यों वहाँ पे ना जो वो चाय बना के देते हैं ना भैया, मैं एक बार और गई थी तो भी मैंने पिया था, फिर इस बार भी गई थी फिर मैंने पिया था। यहाँ पे चल रही है मेरे पति देव जी की सेल्फी, बीच में बैठे हैं भैया, इधर बैठी हूँ मैं और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी मैं सोच रही थी भैया कहीं से देख ना ले तो चलिए आप लोग इन्जॉय करिए ये वाला ब्लॉग भी, आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। और जो लोग मेरे चैनल पे हैं ना नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों तक जाए। यहाँ पे हो गया है शो, आने वाला है, रात हो गई है क्योंकि ये ना रात के टाइम ही शुरू होता है। देखा है मुझे जिसने छुआ उसने इतिहास रचा, चाहे वो महान योगी गुरु गोरखनाथ हो या गौतम बुद्ध जैसे महात्मा, अगर एक और भारत की आजादी के दीवानों ने अपने लहू से मुझे सींचा तो दूसरी ओर प्रेमचंद की लेखनी और भाषा ने मुझे नई परिभाषा दी। शुरू करते हैं मेरे नाम की गाथा से। जल रही है, पानी गर्म हो रहा है, केवल अन्न की प्रतीक्षा है, बस फिर क्या था। हजारों श्रद्धालुओं ने खप्पर में खिचड़ी भरना आरंभ किया, ये मकर संक्रांति का पुण्य समय था। आज तक मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते आ रहे हैं, एक पूरे माह तक चलता है ये आयोजन। महीना गोरखनाथ जी की योग सिद्धि का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रतीक है।
किया। बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय जैसे मूल्यों का प्रचार किया। वर्तमान में विश्व स्तर पर मानव मात्र की समानता के जो स्वर सुनाई देते हैं, उनका शंखनाद सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने ही तो किया था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर विशाल स्तूप के अवशेष आज भी हैं, जो रामाभार स्तूप स्थल के नाम से प्रख्यात है। यही भगवान बुद्ध पंच तत्व में विलीन हुए। यही महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति भी है। चलो नीचे भी देखो, होते कहाँ गए सब? कौन जब रख लो, गाड़ी चल रही है। मजा आया सब? इसके बाद हम लोग आ गए घर, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग भी घूमने वाला ही है, लेकिन कहाँ जाएंगे ये आप लोगों को आगे बताएंगे। हाँ, उस दिन का नहीं है, दूसरे दिन का है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। आज ये महीना जो है ना, फरवरी और मार्च का हम लोगों का घूमने वाला ही हो गया है, समझ लीजिए। बहुत घूमे और उसके बाद से हम लोग आ गए घर। तो चलिए, मेरे दूसरे वीडियो का आप लोग करिएगा इंतज़ार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग तक लिए, बाय। थक गए हो बहुत?